ओम शांति। आज 9 मई 2022 दिन सोमवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आपे ही करनी है, कैसे? उत्तर, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर की ओर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। गीत, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी। और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है, वह कोई हेवन में नहीं आते हैं, भारतवासियों के ही चित्र हैं। बरोबर राज्य करते थे तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है, जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है, 21 पीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है, उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अजुन 40,000 वर्ष चलनी है। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। पहले पहले तो परिचय दो बाप का देना। भगवानु वाच है कि गीता सबका माई बाप है, वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब हैं उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल ना सके, तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है, बाइबल आदि, कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई हैं ना, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो, तो जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं, पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा? और फिर श्रीमत भी मिलती है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे, तो तुम पाप आत्मा बन जाएंगे। यह दुनिया ही पाप आत्माओं की है। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है।
अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, कैसे गुप्त बैठे हो। सिर्फ बाप को याद करना है, माला आदि फेरने की कोई बात नहीं। बाप को याद करते तुम काम करो, बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं। बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो, नेचर क्योर कराते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बनते हो, पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो, सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रह अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं, परंतु वहां कुछ भी है नहीं। उनको यह पता नहीं कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राजयोग की पढ़ाई करते हो, वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर आ गया। कहां है जरूर, सो तो जरूर होगा ना, विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना हेल का विनाश कराते होंगे। यह तो नरक है ना, कितनी लड़ाई मारा मारी आती है, बहुत डर है, बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है, कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं, ब्राह्मण ही मददगार होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो ना सके, तुमको एडॉप्ट किया जाता है, तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है, ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो, कहते हो ब्राह्मण देवी देवताए नमः, ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं। परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हों, समझते हैं यह ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है, वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहां आते हो तो फट से पूछता हूं किसके पास आए हो, बुद्धि में है यह शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं। परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है। तुम्हारा भी साजन है शिव, फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो, याद करना है शिव को। यह लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए, बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं। तो दलाल को याद नहीं करना है, सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुमको बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ, कल्याण करने अर्थ। कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, दे अभिमान आ जाते हैं,
वास्तव में यह अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ शिव बाबा करने वाला है, यहाँ तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो। कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए, यह तो बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है, फिर भी यह वृद्ध अनुभवी तन है, यह बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे, नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो, पिछाड़ी में खड़े हैं ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो, बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगत अम्बा है, कामधेनु और कपिल देव भी कहते हैं, कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा माता पिता, यह कपल जोड़ी हुई ना, माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से ही मिलता है, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूं तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं, यह सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बैठ थोड़े ही पूजेंगे, बाप आकर बच्चों को गुल गुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे, हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे, माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। और कोई सन्यासी आदि यह बातें नहीं सिखलाते हैं, कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते हैं 6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हैं, वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते, सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो। फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में जाएंगे, जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहां हम आत्माएं स्टार मिसल रहती हैं, यह पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं, बिंदी की पूजा कैसे होगी। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा का बाप भी ऐसे होगा ना, बाप का देह नहीं है, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती। बाप को परम आत्मा कहा जाता है, वह तो फादर है, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वह कोई बड़ा नहीं है, उनमें यह नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है, और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते हैं, तो यह सब अंधश्रद्धा है ना, क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानी ही ग्लानी है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं, गॉड कृष्ण हेवन का पहला प्रिंस, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, यह दोनों गॉड गॉडेज हैं। पुराने पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं, पुरानी पुरानी स्टैंप्स भी बिकती हैं ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, परंतु किसी को पता नहीं, महिमा सारी शिव बाबा की है, वह चीज तो मिल ना सके। पुराने ते पुरानी चीज कौन सी है, नंबर 1 शिव बाबा, कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है, तब पूछते किसको। शिव नाम तो है ना, देश भी है काल भी है, खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूं, आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना,
अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगा दी है, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग, अब फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना ना सके, यह सब बातें धारण करनी होती हैं। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है, जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं, श्रीनाथ का भोजन बनता है ना, शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम बाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, कभी अपने उस्ताद अर्थात बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है, यह भी देह अभिमान है, कराने वाले बाप को याद करना है। वरदान, अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह तीन बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति।